नड्डा के घर पर दो घंटे तक चली है बैठक। किसानों ने बातचीत का प्रस्ताव जो दिया गया था वो ठुकरा दिया है। सरकार को दिल्ली जाम करने की चेतावनी भी दी गई है और जेपी नड्डा के घर पर कल दो घंटे बैठक चली। किसानों ने फिलहाल बातचीत का प्रस्ताव ठुकराया है। नए कृषि कानून के खिलाफ हल्ला बोल अभी भी जारी है किसानों का और किसानों ने दिल्ली ब्लॉक करने का भी ऐलान किया है। इस बार आर पार के मूड में किसान संगठन है। शर्तों के साथ बातचीत नहीं करेंगे किसान। दिल्ली की सभी 5वें एंट्री बंद करने की चेतावनी दी गई है। रविवार को सिंगो और टिकरी बॉर्डर बंद था। अब सभी 5 पॉइंट जो हैं वो बंद करने की चेतावनी किसानों की तरफ से। और अवैस हमारे सहयोगी जुड़ चुके थे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अवैस, किसानों की चेतावनी, 5 पॉइंट बंद कर दिए जाएंगे दिल्ली के, वो कौन कौन से पॉइंट और वहां पर क्या कुछ सख्ती अभी देख पा रहे हैं? देखिए, पंजाब और दिल्ली के जो 5 मुख्य एंट्री पॉइंट है उनको बंद करने की जो है किसानों ने चेतावनी दी है और कहा है कि चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, झज्जर बॉर्डर हो, सोनीपत का बॉर्डर हो या सिंधु बॉर्डर हो, इसके अलावा नोएडा से जो दिल्ली में एंट्री पॉइंट है वहां पे भी बंद करने की बात जो है वो कही जा रही है। किसानों का ये कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन पहले जो है किसानों से कहा था कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको बुराड़ी का जो मैदान स्थान दिया गया है धरना प्रदर्शन के लिए वहां पे आना होगा। तो किसानों ने कहा है कि वो जो है वो एक ओपन जेल की तरह और हमें इस तरह की शर्त जो है वो मंजूर नहीं है। ये किसानों का अपमान है और हम जहां पर हैं रोड पर ही बैठ कर जो है अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारे पास 4 महीने का जो है राशन भी मौजूद है और इसलिए जो 5 मुख्य एंट्री पॉइंट है उनको बंद कर दिया जाएगा और जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। इसी को देखते हुए जिस तरह की चेतावनी किसानों ने दी है 5 मुख्य पॉइंट बंद करने की और 4 महीने तक धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, उसको देखते हुए कल देर रात गृह मंत्री के नेतृत्व में जेपी नड्डा जो बीजेपी अध्यक्ष है उनके घर पे बैठक हुई थी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद था। लगभग 2 घंटे तक इस पूरी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर 2 घंटे तक मंथन हुआ कि क्या आगे की रणनीति सरकार को अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि 3 तारीख का समय जो है वो पहले से ही फिक्स था बातचीत के लिए। इसके अलावा